हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फी डायरी। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम आए हैं दीक्षु के स्कूल, इसका एडमिट कार्ड लेने, क्योंकि बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं 16 से। तो आज इनका एडमिट कार्ड मिलना था, तो मैं और दीक्षु आए हैं इनके स्कूल और हमने एडमिट कार्ड ले लिया है। तो बाहर आके हमने बनाई थोड़ी सी स्कूल की वीडियो, ताकि हम इसको अपनी यादगार के लिए रखें, क्योंकि अब दीक्षु का स्कूल हो जाएगा ख़त्म। तो अब जो है थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है, तो ये जो हमने भारी भारी रजाइयाँ थी इनको छत पे सूखने के लिए डाल दिया है। धूप काफ़ी अच्छी है, हवा भी आज काफ़ी अच्छी चली हुई थी, तो हमने सोचा कि उन्हें रजाइयाँ रख दी जाएँ और कुछ हल्के कंबल वगैरह निकाल लिए जाएँ। तो हमने छत पे रजाइयों को सूखने डाल दिया, थोड़ी धूप लगा कर ही हम इनको रखेंगे। चारों तरफ का व्यू काफ़ी अच्छी, हवा चली है, धूप भी बड़ी अच्छी सी खिली हुई है। तो अब इवनिंग में हमने जो है अपनी रजाइयों को उठाकर रख लिया है, सारा सामान हमने रूम में सेट कर दिया है, जो छत के सामान थे छत पे रख दिए गए हैं और नीचे चली गई हैं रजाइयाँ। नेक्स्ट डे सुबह मैं जो हूँ, बेड को मैंने खाली किया हुआ था, उनको साफ़ किया और उनमें अब मुझे रखनी है रजाइयाँ। तो क्योंकि लंबे टाइम के लिए रखी जाएंगी, तो थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करके हम इसको रखेंगे और इसमें हम थोड़ी सी नीम के पत्ते वगैरह या फिर कुछ नेप्थिलिन बॉल्स होती हैं उनको डाल देंगे, ताकि इनमें जो है कुछ कीड़े वगैरह ना हों। और ये गए रजाई के कवर। तो ये देखिए हमारा जो है रजाई वगैरह रखने का काम पूरा हो गया है। अब हम कर लेते हैं अपनी बेडिंग। तो ये इस तरह कुछ हमने कर दिया बेड को सेट। तो ये हर सीज़न में काम हो ही जाता है कि कभी रजाइयाँ निकालनी रखनी है, छोटा कुछ हल्की ठंड के हल्के कपड़े, और कभी जब ज़्यादा ठंड होती है तो उसके लिए भारी कपड़े, हैवी रजाइयाँ चाहिए होती हैं। तो अब जो है ये सब मेरा हो गया है। तो ये कुछ प्रेस के कपड़े आए हुए थे, इनको भी मैं हैंगर पर फटाफट डाल देती हूँ, ताकि मेरा ये काम जो है ख़त्म हो जाए। आज है 13 और हम निकले हैं आज गाजियाबाद के लिए। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, DMIC, और ये 130 मीटर वाइड रोड है जो आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट को कनेक्ट करती है, और ये NH24 गाजियाबाद को कनेक्ट करती है और नोएडा को कनेक्ट। क्योंकि दीक्षु का पासपोर्ट काफी दिन से अटका हुआ है, छोटी सी कोई वजह थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा है, तो हम निकल पड़े हैं गाजियाबाद। सुबह ही निकले थे हम, तो आज देखते हैं वहाँ पे क्या उसका इशू है, वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मुझे जाना है अपनी मौसी जी के यहाँ पे, मैं उनके यहाँ काफ़ी दिन से गई नहीं हूँ, इस रास्ते से मैं काफ़ी दिन बाद से जा रही हूँ। तो अब हम पहुँचे हैं पासपोर्ट ऑफिस। तो आज भी बड़ी ही तेज़ धूप है और हवा भी बहुत ही ज़्यादा चली हुई थी, तो यहाँ हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए हैं क्योंकि वहाँ पर मना था। अब हम पहुँचे हैं मौसी जी के घर, वो काम ख़त्म करने के बाद। तो ये है विराट काजला, जिसकी मस्तियाँ चालू हैं। ये देखिए हुड़ हुड़ दबंग गाने पर डांस कर रहा है, ये हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, बहुत ही क्यूट है ये बच्चा, मस्ती देखो इसकी। ये देखिए ड्राइंग करने बैठ गया है अभी।
और अब ये देखिए बुआ भतीजे की दौड़, बच्चे तो थकते ही नहीं हैं और यहाँ मैं थक गई हूँ, लेकिन उसको अभी भी और गेम खेलने हैं। तो देखिए अभी हम लुका छुपी खेल रहे हैं, यहाँ विराट छुप जाएगा और मैं उसको ढूंढूंगी। देखिए इसकी क्यूट क्यूट सी शैतानियाँ और ये मैं इसको अभी ढूंढ लूंगी। तो वहां से हम निकले हैं, लगभग 5:30 का टाइम हो गया था, तो रास्ते में एक मॉल था तो हम वहीं रुक गए कि चलो थोड़ा यहाँ भी देखते हैं कैसा मॉल है ये, क्योंकि हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे। तो हम जो है देख रहे हैं चारों तरफ काफ़ी अच्छी से सजावट है, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वैलेंटाइन डे है, तो उसके चक्कर में यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन हुई है। बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है और ये देख कितना अच्छा माहौल है, कितनी अच्छी इन्होंने डेकोरेशन की हुई है वैलेंटाइन डे के लिए। तो हमने भी उसका फुल फ़ायदा उठाया, वहाँ पर हमने कुछ वीडियोज फ़ोटोज़ लिए। अब जब इतना सब किया तो भूख तो लगनी जायज थी, तो हम निकले हैं कुछ खाने की तलाश में। तो हमने जो है वहीं पे फिर कुछ खा पी लिया था, अब हम निकल पड़े हैं वापसी में। और ये देखिए ये है यहाँ का गौर सिटी मॉल, बड़ा ही अच्छा मॉल था, देखने लायक चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी दुकानें हैं, काफ़ी अच्छी 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 नई नई चीज़ें हैं यहाँ पर। ये कितना अच्छा दिख रहा है बाहर से भी। और अब ये देखिए रास्ता सुहाना सफर। तो आज है 14 और आज है वैलेंटाइन डे, तो यहाँ सबसे पहले देखिए ओरियो के साथ हमने की मस्ती, क्योंकि ओरियो भी जो है कभी कभी मस्ती के मूड में आता है। तो देखिए किस तरह ये लेटा हुआ है, इसको अंदर जाना ही नहीं है, और ये जितना इसको बोल रहे हैं उठो तो उतना ही ये नीचे की तरफ और लेटता जा रहा है। और यहाँ पे कुछ गार्डनिंग करनी थी हस्बैंड को, तो वो कुछ वेजिटेबल्स के सीड्स लेके आए थे जो भी उन्होंने बोने के लिए दे दिए हैं। ये कुछ प्लांट लाए थे नए, तो इनको भी लगवाना था। और ये देखिए टमाटर आए हुए हैं छोटे छोटे, अभी ग्रीन हैं, कुछ फूल खिले हुए हैं। कि मुझे जाना था एक सुंदरकांड पार्क था पड़ोस में, तो मैं वहाँ गई, फिर मैंने आके ये देखे थोड़ी सी की तैयारी, क्योंकि बाहर तो कहीं जाना नहीं था। तो यहाँ हमने घर पे ही हक्का नूडल्स और गोभी मंचूरियन मैंने बनाया है, ताकि हम जो है 14th को सेलिब्रेट कर सकें थोड़ा सा। ये डोनट्स वगैरह हमने थोड़े से बाहर से ऑर्डर कर दिया था, और ये देखिए हम अभी यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और जो है एंजॉय कर रहे हैं अपना फूड। छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ बनती है ब्यूटीफुल, तो हर पल जिंदगी का आपको अच्छे से जीना चाहिए। तो आज है 16 और आज से स्टार्ट हो चुके हैं दीक्षु के एग्ज़ाम, तो दीक्षु जो गई हुई है इस एग्ज़ाम देने, अभी मैं उसको वापस लेने जा रही हूँ। और ये देखिए दीक्षु आ गई है, सभी बच्चे निकल रहे हैं, बच्चे खुश हैं, सभी के चेहरों पर हंसी है, क्योंकि इनका पहला एग्ज़ाम था वो अच्छा हुआ है, तो अच्छी बात है, बच्चे खुश हैं, अच्छे ही एग्ज़ाम जाएँ सभी के। तो इस तरह ये वीक हमारा हुआ कंप्लीट, दीक्षु आ गई है, अब लेके इसको हम घर पहुँचेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।